हाँ जी दोस्तों, बात करते हैं एक अगले टॉपिक की जो कि बहुत सारे सब सेक्शन से रिलेटेड है, एक ही सेक्शन के अंदर का पार्ट है, सेक्शन नंबर 149, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट नो डाउट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्वाइट लेंदी टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी है, इसको दो पार्ट में बाइफरकेट करेंगे। एक में इसके बेसिक्स को जानेंगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की क्या रिक्वायरमेंट वगैरह होती है, किस किस कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है और क्या इसका बेसिकली रोल मॉडल है, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बना हुआ है। और सेकंड पार्ट में जानेंगे इसके और एसेंशियल्स को कि भैया क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अंदर और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी है। थोड़ा सा लेंदी है बट इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है कि वो लेंदी आपके लिए ज्यादा मैटर नहीं करना चाहिए और आपको ये पूरी तमीज से इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, बात करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। तो इसकी चीजों को डिस्कस किया गया है सेक्शन नंबर वाइज, मतलब सबसेक्शन वाइज, सेक्शन 149 का सबसेक्शन नंबर 4 से बेसिकली चालू होता है। हमने इसके सबसेक्शन नंबर 1, 2, 3 हमने पहले कवर कर लिया हुआ है, सबसेक्शन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद मल्टीपल सबसेक्शन के अंदर इसके सारे प्रोविजंस को डील किया गया है। सबसे पहला जो आता है सबसेक्शन नंबर 4, वो बात करता है क्या कि किन किन कंपनीज के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है वो मैंडेटरी है, मतलब किन कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। तो सबसे पहला इसके अंदर नाम आता है लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है कितना, तो जितने भी उसके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उसमें से 1/3 जो होगा वो आपके क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। मतलब कि 1/3 डायरेक्टर जो होंगे वहां पे वो कैसे होंगे, आपके इंडिपेंडेंट होंगे। सपोज अगर नॉन डायरेक्टर है किसी कंपनी के अंदर, तो अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो कम से कम उसके अंदर 3 डायरेक्टर्स जो होंगे वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। ठीक है सर, तो लिस्टेड में तो बहुत बड़ा रोल आ गया। बात करें अदर पब्लिक कंपनी में, तो अदर पब्लिक कंपनी में कहा जाता है कि भैया कम से कम 2, मिनिमम कितना है 2, और वो पब्लिक कंपनी का भी कुछ क्राइटेरिया बताया गया है कि आपकी पीडीएफ शेयर कैपिटल इतनी होगी, आपका टर्नओवर इतना होगा, आपका बोरिंग इतना होगा, तभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आपको रिक्वायरमेंट है। देखते हैं फटाफट से, लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल हैव 1/3, यहां मिसिंग है थोड़ा सा, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नोट, एनी फ्रैक्शन कंटेंट इन सच 1/3 नंबर शैल बी राउंडेड ऑफ एज 1। कोई भी फ्रैक्शन होगा तो वो आपका 1 माना जाएगा। मतलब क्या है कि अगर 10 का मैं 1/3 निकालूंगा तो उस केस में आपका रिजल्ट जो आएगा वो 4 आएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, 3.33 को भी आप क्या लोगे, 4 लेके चलोगे। मतलब किसी भी टाइप का फ्रैक्शन होगा 1/3 के अंदर तो उस केस में आपको क्या करना है, एक 1 मार्क करना है। ठीक है, क्योंकि अगेन यहाँ पे 1/3 जो है वो मिनिमम है, 1/3 मिनिमम है। ध्यान रखना, जब भी मिनिमम होता है तो उस केस में आपको जो राउंडिंग ऑफ होती है वो हमेशा अपर लिमिट में जाती है। और अगर वो नियरेस्ट कहता है, अगर वो नियरेस्ट वर्ड यूज करता है, जैसे कि हमने पीछे एक सेक्शन में देखा था जहां पे 2/3 पहले करना होता है रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स में और उसके बाद 1/3 करना होता है, तो 2/3 में आपका अपर लिमिट लेना होता है बिकॉज वहां पे मिनिमम 2/3 कहा गया है और 1/3 में आपको मैथमेटिकल राउंड ऑफ करना होता है क्योंकि वहां नियरेस्ट टू 1/3 कहा गया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसके लैंग्वेजेस को समझ पाते हो। नाउ अदर पब्लिक कंपनीज में क्या कहा गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन केस ऑफ एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी। मतलब कि भाई साहब, अदर पब्लिक कंपनीज में एम्पावरमेंट किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकती है कि कितने होने चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई तो उन्होंने प्रिस्क्राइब भी करके दिखा दिया। उन्होंने रूल नंबर 4 में बताया कि रूल नंबर 4 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल 2014 हैज बीन फ्रेम्ड विच स्टेट्स दैट द फॉलोइंग क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी शैल हैव एट लीस्ट टू डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। किस कंपनी के अंदर, ऑल सच पब्लिक कंपनी, पब्लिक की बात की जा रही है, प्राइवेट की बात नहीं की जा रही, ऑल सच पब्लिक कंपनीज विच हैव पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, 10 करोड़ या उससे ज्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल है उनके लिए, और है, ध्यान रखना एंड नहीं है, ऑल सच पब्लिक कंपनीज विच हैव टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर, फिर अगेन और है, ऑल सच पब्लिक कंपनी विच हैव इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़ और मोर। ठीक है, तो उस केस में आपको के लिए कम से कम आपकी कंपनी के अंदर जितने भी डायरेक्टर उसमें से 2 डायरेक्टर होने चाहिए कैसे, इंडिपेंडेंट। ठीक है सर, तो बेसिकली लिमिट क्या की है, 10, 100, 50 की लिमिट है। 10 करोड़ का आपका पेड अप शेयर कैपिटल हो गया, 100 का आपका टर्नओवर हो गया, 50 के आपके लोन्स एंड बोरिंग्स हो गए, तो उस केस में आपके ऊपर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आती है कि आपके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब ध्यान दो एक चीज की, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक कॉन्सेप्ट आता है ऑडिट कमेटी का, आप जब आगे चल के पढ़ोगे सेक्शन नंबर 177 जो कि बात करता है किसकी, ऑडिट कमेटी की। ये क्या कहता है कि भाई साहब, ऑडिट कमेटी के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर जो होंगे, ऑडिट कमेटी के अंदर कम से कम कितने डायरेक्टर होंगे, 3 डायरेक्टर होंगे, और मेजोरिटी जो होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होनी चाहिए। इसका क्या मतलब समझ में आया कि भाई साहब, अगर आपकी ऑडिट कमेटी में 3 डायरेक्टर हैं तो उसके अंदर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 2। अगर आपकी ऑडिट कमेटी के अंदर सपोज करो 9 डायरेक्टर्स हैं तो उसके अंदर इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए, 5। मतलब मेजोरिटी हमेशा किसकी होगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होगी, ये ऑडिट कमेटी का प्रोविजन।
अब क्या कहा जा रहा है कि भाई साहब हमने तो कह दिया कि मिनिमम दो होने चाहिए, लेकिन सपोज करो ऑडिट कमेटी की जो कंडीशंस है कि कब कंपनी में ऑडिट कमेटी होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए वो हम यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। बट अगर आपकी आपकी कंपनी के ऊपर ऑडिट कमेटी के प्रोविजन लगते हैं और आपने ऑडिट कमेटी बनाई, और सपोज करो आपने ऑडिट कमेटी के अंदर आपने 7 डायरेक्टर्स को रखा हुआ है, ऑडिट कमेटी के अंदर आपने कितने डायरेक्टर्स बनाए हैं, 7 डायरेक्टर्स बनाए हैं, तो उस केस में इस रूल के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने हो जाएंगे, 3। लेकिन आपका ये रूल क्या कह रहा है, 2, तो आपका ये रूल काम नहीं करेगा। उस केस में आपके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, ठीक है ना। तो 2 ये मिनिमम बताया गया है, लेकिन अगर ड्यू टू दी प्रोविजन ऑफ ऑडिट कमेटी अगर ज्यादा की जरूरत पड़ती है तो उस केस में आपको ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने होंगे। वही चीज कही जा रही है, रिक्वायरमेंट ऑफ हायर नंबर्स ड्यू टू कंपोजिशन ऑफ इट्स ऑडिट कमेटी इफ अ पब्लिक कंपनी कवर्ड अंडर द अबव रूल, अगर पब्लिक कंपनी रूल में कवर होती है, इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सच हायर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी एप्लीकेबल टू इट। मतलब कि भैया उस केस में आपका मिनिमम 2 की रूल वाली बात नहीं रह जाएगी, उस केस में आपको एज पर दी ऑडिट कमेटी के जो प्रोविजन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको हायर नंबर की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। क्या कहता है जनरली आपका ऑडिट कमेटी का सेक्शन 177 सबसेक्शन नंबर 2, शेल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, मतलब ऑडिट कमेटी में कम से कम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग अ मेजोरिटी, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होंगे, आपके मेजोरिटी में होने चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग अगर आपको ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी और ज्यादा अपॉइंटमेंट करनी पड़ जाएगी। चलिए सर, अगला पॉइंट आता है इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये हमने पीछे पढ़ा था जब हमने बात की थी वुमेन डायरेक्टर, याद होगा आपको, और जब मैंने बात की थी कैजुअल वैकेंसी के टॉपिक की तो वहां पर बात किया था। ये जस्ट सेम है वुमेन डायरेक्टर के जैसा, सेम प्रोविजन है कि भाई साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर इंटरमिटेंट वैकेंसी आती है तो उसको कौन फिल करेगा, उसको फिल करेगा हमारा बोर्ड, कब करेगा, एट द अर्लीस्ट, ये तो हो गया मिनिमम टाइम। लेकिन साथ ही में कहा गया बट नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, मतलब जो भी आने वाली अगली बोर्ड मीटिंग होगी वो, और 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर। तो मैक्सिमम टाइम आपको इतना ही दिया गया कि भैया 3 महीने जब वैकेंसी हुई उसके 3 महीने या फिर जो भी अगली बोर्ड मीटिंग होगी वो, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, उसके अंदर अंदर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी को फिल कर लेना है, और ऑब्वियसली फिल कौन करेगा, आपका बोर्ड फिल करेगा, ठीक है सर। ड्यूरेशन ऑफ कंडीशंस आफ्टर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ विच नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड, मतलब क्या हुआ सर कि कब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि सपोज करो कि आपने जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो पब्लिक कंपनी की कंडीशंस थी, जो भी पब्लिक कंपनी के ऊपर कंडीशंस लगाई जा रही हैं, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंडीशन आपकी कंपनी अब फुलफिल नहीं करती, मतलब कि पहले साल ईयर 1 में वो आपकी कंपनी एक कंडीशन फुलफिल करती थी, सपोज टर्नओवर ज्यादा था, बाकी कंडीशन नहीं थी लेकिन टर्नओवर ज्यादा था, अब सेकेंड ईयर में वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, तो क्या आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे, हाँ जी रखने पड़ेंगे। थर्ड ईयर में भी नहीं कर रहा तो क्या रखने पड़ेंगे, हाँ जी रखने पड़ेंगे। अगले साल भी नहीं कर रहा तो क्या रखने पड़ेंगे, अब नहीं रखना पड़ेगा। मतलब कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक एक भी कंडीशन जो आपको ऊपर बताया गया है वो फुलफिल नहीं होता आपकी कंपनी के ऊपर, तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करके रखने की। पर कितने साल तक, 3 लगातार साल को, और सपोज करो अगले साल फिर से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर गया, चाहे पीएफ शेयर कैपिटल का हो, चाहे बोरिंग्स का हो, चाहे टर्नओवर का हो, तो अगेन रिक्वायरमेंट आ जाएगी, अगेन आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होगा, जो भी ये प्रोविजन ये सेक्शन बता के चल रहा है, ठीक है। तो ये बात कर रहा है यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कंडीशंस आफ्टर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ विच नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड, तो कहा जा रहा है क्या, अ कंपनी विच हैज ऑब्लिगेटेड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कहा गया था भैया पहले आपको अपॉइंट करना है, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेक सच अपॉइंटमेंट इफ इट सीजेस टू फुलफिल। अब वो फुलफिल नहीं कर रहा एनी ऑफ 3 कंडीशन, तीनों में से एक भी फुलफिल नहीं कर रहा, रिलेटिंग टू पेड अप शेयर कैपिटल हो, चाहे टर्नओवर हो, चाहे आउटस्टैंडिंग लोन्स हो, फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, लगातार 3 साल तक, तो उस केस में आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। इट शैल अगेन बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ इट स्टार्ट मीटिंग एनी ऑफ सच कंडीशन, अगर आप दोबारा से उस कंडीशन को मेट करने लग गए तो दोबारा से आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ जाएंगे। ना क्लैरिफिकेशन एक दी गई है कि भैया ये जो सारी चीजें हैं, जो सारी ये रकम है, जो सारे अमाउंट है, वो किस डेट के उठाए जाएंगे, मतलब टर्नओवर कब का देखा जाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल कब का देखा जाएगा, तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आया आपका एमसी का, जो बेसिकली क्या बताता है कि भाई साहब जो भी चीजें हैं, ये पेड अप शेयर कैपिटल हो, चाहे टर्नओवर हो, चाहे आउटस्टैंडिंग लोन्स वगैरह हो, डिबेंचर्स हो, डिपॉजिट हो, ये सारे कौन से देखे जाएंगे, ये देखे जाएंगे लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंसिडर किए जाएंगे, ये देखने के लिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है सर। नाउ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में से, मतलब कि लिस्टेड तो सारे कवर हो गए, फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के अंदर में कंडीशन लगा दी गई, अनलिस्टेड
पब्लिक कंपनी में कंडीशन लगा दी गई, कौन सी? पेडअप शेयर कैपिटल की, टर्नओवर की और आपके लोन्स की। लेकिन अगर अनलिस्टेड पब्लिक शेयर कैपिटल कोई ऐसे हैं तो उनके ऊपर ये एग्जेम्पशन है, मतलब क्या हुआ कि उनके ऊपर ये कंडीशन लगे ना लगे वो एग्जेम्प्टेड माने जाते हैं। लिस्टेड तो सारे कवर हो गए, अनलिस्टेड भी ऊपर के हिसाब से अभी तक सारे कवर हो रहे थे अगर वो ये कंडीशन को फुलफिल करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि भैया ये तीन कैटेगरी ऐसी है जो कि इन कंडीशन को फुलफिल भी करेगी लेकिन तब भी वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। तब भी वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड है, लेकिन स्टिल वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, इवन दो उस कंडीशन को फुलफिल क्यों ना कर रही हो। ऐसे कौन सी कैटेगरी है, तो ज्वाइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी और तीसरा आता है आपका डोरमेंट कंपनी जो कि डिफाइंड है आपका सेक्शन नंबर 455 के अंदर। तो ये तीन टाइप की कंपनी से, ज्वाइंट वेंचर कंपनी हो, होली ओन्ड सब्सिडरी हो और डोरमेंट कंपनी हो, तो उस केस में वो आपके एग्जेम्प्टेड माने जाते हैं, मतलब उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं बात को यहाँ पे पिक्चर के थ्रू बताया गया है, आई होप आपको इजिली समझ में आ जाएगा। लिस्टेड कंपनी तो एटलीस्ट 1/3 आपको रखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का। प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी होगा, मतलब जो पब्लिक कंपनी है उसके इसमें पेडअप शेयर कैपिटल 10 करोड़ मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, एग्रीगेटेड आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर्स इन सबको मिला के 50 करोड़ और मोर। तो उसके इसमें आपको कितने चाहिए, एटलीस्ट दो चाहिए, एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत है। कुछ नोट्स वाले पॉइंट थे कि भैया अगर ऑडिट कमेटी की कंपोजिशन की वजह से आपको ज्यादा की जरूरत पड़ती है तो आपको ज्यादा अमाउंट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, ज्यादा आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे। उसके बाद कब जरूरत नहीं पड़ेगी अपॉइंटमेंट की, जब 3 साल तक लगातार आप एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हो तो उसके इसमें आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। और कौन कौन एग्जेम्प्टेड है आपके, ज्वाइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी और डोरमेंट कंपनी जो है वो कवर्ड नहीं होते, मतलब उनके लिए अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो मैंडेटरी नहीं रह जाता। ठीक है सर, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब एक बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका शुरू होगा, सेक्शन नंबर 149 का सबसेक्शन नंबर 6 जो कि बात करता है कि कौन बन सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो देखो नाम से पता लग रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन पाएगा, जो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब कि जिसका कंपनी के साथ, जो ये कंपनी जिसका वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहा है, इस कंपनी के साथ दूर दूर तक कोई नाता नहीं होगा, कोई नाता नहीं होगा, किसी भी तरीके से इनका कोई कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए, चाहे इसके डायरेक्टली थ्रू मिल जाए, चाहे इसके रिलेटिव के थ्रू मिल जाए, चाहे किसी भी तरीके से मिल जाए, वो सारी चीज हम यहाँ पे देखेंगे सेक्शन 149 के सबसेक्शन नंबर 6 के अंदर, जिसको हम कवर करेंगे अगले पार्ट में। टिल देन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड।